हेलो भाई, स्वागत है आप गेमिंग तक पे। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक बजट गेमिंग फोन लेके आने वाला हूँ, तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इन्फिनिक्स 08i की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ कैसा है ये फोन, क्या क्या मिल रहा है इसके बॉक्स में और क्या प्राइस है इस फोन का। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इन्फिनिक्स 08i को। तो जैसे ही हम बॉक्स को हटाते हैं, यहाँ पर दिखता है हमें फोन। फिलहाल हम फोन को रख देते हैं अभी साइड, फोन पर हम बाद में आएंगे और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स खोलते ही यहाँ पे हमें एक USB टाइप सी का केबल देखने को मिलता है, जो कि ऑरेंज कलर का है अंदर से, जो देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक्स चार्ज, जो कि फास्ट चार्जिंग का ये अडेप्टर है। 33 वॉट का ये फास्ट चार्जर अडेप्टर है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं और क्या क्या मिल जाता है हमें। यहाँ पे सिम इजेक्टर देखने को मिल जाता है, छोटू सा, काफ़ी क्यूट सा है ये सिम इजेक्टर। हाथ में नहीं आ रहा है वैसे, ये आ गया, छोटू सा और काफ़ी क्यूट सा है ये, देखिए। तो इसको भी अपन साइड कर देते हैं। और यहाँ पे मिलता है हमें यूज़र मैनुअल, जो कि हम पढ़ते नहीं, और काफ़ी छोटा यूज़र मैनुअल मिलता है हमें इसमें। और ये मिलता है हमें सर्विस केयर, बेसिकली वारंटी कार्ड, इसका भी हमें कोई काम नहीं है। और ये मिलता है एक्स क्लब का, एक्स क्लब ऐप है कुछ, अब उसके बारे में बाद में रिव्यू में अच्छे से बात करेंगे हम। फिलहाल ये इसमें मिल जाता है। और ये मिलते हैं यहाँ पे कुछ कूल से स्टिकर्स, काफ़ी शाइनी है ये। और मिलता है हमें यहाँ पे एक टेम्पर्ड ग्लास, तो नहीं है, खैर ये नॉर्मल सा स्क्रीन गाड़ी है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि इसमें कवर भी है। तो ये कवर एक TPU कवर है, जो कि क्लियर है एकदम और ठीक है ये, मतलब स्टार्टिंग के लिए तो मतलब आपका फ़ोन को किस तरह से बचा लेगा, लेकिन एक अच्छा कवर आप ले लीजिएगा। तो अब करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है इसका कवर हटाना, जो कि काफ़ी सूदिंग होता है। और हम करते हैं फ़ोन को ऑन इन्फिनिक्स। और मैं बता दूं आपको कि ये फ़ोन मेड इन इंडिया है। अब कंपनी इन्फिनिक्स इंडिया की नहीं है, लेकिन ये फ़ोन इंडिया में ही बन रहा है, तो ये एक अच्छी बात है इस फ़ोन के बारे में। और ये एक्स का साइन बन गया, मतलब फुल ऑन गेमिंग का फील दे दे रहा है ये आपको। वैसे एक्स OS था इसका ये। अब इसका स्क्रीन जो है ये फुल HD स्क्रीन है, 6.85 इंच का इसका स्क्रीन है, 17.40 सेंटीमीटर का स्क्रीन इसका है ओवरऑल, और 90Hz का डिस्प्ले इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल है। और अगर स्क्रीन के रेशियो की बात करें तो 90.1 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इसका, जो कि काफ़ी सही है। और जो सबसे सही चीज़ मुझे वो लगा ना, कि नीचे यहाँ पे हल्का सा बेजल रखा गया है, क्योंकि जब आप गेम खेलोगे ना, तो आपका मोस्टली क्या होता है कि ये वाला जो पाम पोर्शन होता है ना, ये इसमें टच होता है, तो वो टच होने का डर नहीं रहेगा इसमें। अब आगे देखते हैं और इस फोन में क्या क्या मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 8GB का रैम आपको मिल रहा है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज, जिससे कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है, और ये बजट गेमिंग फोन इसको बोल सकते हैं। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये तो मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा। फिलहाल इसमें पीछे आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। प्राइमरी कैमरा जो है वो है उसका 48MP का, और जो इसका एक और कैमरा है वो है 8MP का, और जो डेप्थ सेंसर कैमरा है वो है इसमें 2MP का, और एक और जो फोर्थ कैमरा है इसमें वो एक AI लेंस है, और नीचे आपको एक फ्लैश देखने को मिल जाता है। अच्छा है, बुरा नहीं है। अब कैमरा सैंपल्स क्या है ये तो हाँ मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल और देख लेते हैं और फोन में क्या क्या मिल रहा है हमें। और जो एक और चीज़ जो मुझे इस फोन की अच्छी लगी वो ये है कि इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिससे अगर आप गेम हैवी बहुत देर तक भी खेल रहे हैं तो फ़ोन आपका हीट नहीं होगा, ऐसा कंपनी का दावा है। लेकिन अब ये कितना हीट होता है नहीं होता है, ये मैं जब रिव्यू करूंगा या जब मैं गेम खेलूंगा तो ही मैं आपको बता पाऊंगा। और देखते हैं और फोन में हमें क्या क्या मिल रहा है। फिलहाल इसमें बहुत सारे ब्लॉटवेयर हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक्स बॉय, और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स उन्होंने दिए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गेम हम अपने अकॉर्डिंगली फ़ोन में डालते हैं। ब्लॉटवेयर हमें देखने को इसमें मिल गए हैं काफ़ी। अब इसको अनइंस्टॉल अपन कर सकते हैं या नहीं, हाँ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, रियल फुटबॉल को अनइंस्टॉल अपन कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि ब्लॉटवेयर्स को आप इससे हटा सकते हैं, जो भी अनवांटेड ऐप जो आपको नहीं चाहिए अपने फ़ोन में उसको आप हटा सकते हैं। बाकी UI इसका ओके है, बहुत सही तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि इनका अपना कस्टम UI है तो वो सही है। अब इस फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है ना, वो दिया गया है यहाँ पावर बटन पर, जो कि काफ़ी सही है। जितनी बार आप अनलॉक करोगे आपको यहाँ पे टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे फिंगरप्रिंट लगाओगे और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, जो कि एक अच्छा मतलब अच्छा एक एड ऑन है बेसिकली बोल सकते हैं इसको। और मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन चलता है MediaTek के हीलियो G90T पे, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 64 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिससे कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। अब अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, एक है 16MP का और दूसरा है 8MP का। अब सेल्फी के क्या रिजल्ट्स हैं ये भी मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा।
तो ये था ओवरऑल इन्फ्लिक्स ने क्या अपने फोन में दिया है। बाकी इस फोन से मैं अब स्ट्रीम करने वाला हूँ डेली कंटिन्यूअसली, एक हफ्ते तक मैं इसी फोन पे गेम खेलने वाला हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते रहूंगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के बारे में। बाकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये फोन आपको 14,999 में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है, प्राइस इसका बढ़ेगा, ये अभी सिर्फ मतलब इन्होंने जब लॉन्च किया है तो ये प्राइस इन्होंने अभी के लिए रखा है। तो अगर आपको ये फोन समझ आ रहा है तो आप ले सकते हैं। इस बजट में आपको एक गेमिंग फोन मिल जा रहा है जो कि एक अच्छा है, 4 कैमराज आपको पीछे मिल जाते हैं, डुअल कैमरा आपको आगे मिल जाता है, डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगा फुल ब्राइटनेस कर दूं तो ये देखिए ब्राइटनेस इसका बहुत सही है और डिस्प्ले का रिस्पॉन्स भी मुझे काफ़ी सही लगा है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख दिए उनको हम रिव्यू में ज़रूर कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और गेमिंग तक को लाइक फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा।